अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम महमूदुल हसन तरीन है और अल अली ग्रुप में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वो इस वक्त DHA Phase 7 लाहौर का सबसे हॉट प्रोजेक्ट है। ये जो घर है एक किनाल पर मुश्तमिल है, फुल बेसमेंट ये हाउस है, फुली फर्निश्ड ये घर है और इस घर में आपको 6 मास्टर बेडरूम्स मिलते हैं, फुल ये बेसमेंट हाउस है और इस घर में जो फर्नीचर है वो टोटली आपको सॉलिड फर्नीचर मिलता है। अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन में तैयार करदा ये खूबसूरत घर है। काफी सारी इस घर की खसूसियात हैं, फुली फर्निश्ड आपको ये घर मिल जाता है। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन के हवाले से बात करते चलें तो फ्रंट के ऊपर अगर आप देखते हैं, फ्रंट के ऊपर टोटली टाइल वॉक है और ये जो फ्रंट के ऊपर टाइल्स हैं ये केले की टाइल्स हैं और इसी तरीके से फ्रंट पे अगर आप देखते हैं तो प्रोफाइल लाइट्स हैं और स्पॉट लाइट्स हैं। वेंटिलेशन के लिए खूबसूरती से विंडोज को डिजाइन किया गया है, फ्रंट पे बेल्कनीज हैं और इस घर में जो फर्नीचर है वो टोटली आपको होल्जन का फर्नीचर मिल जाता है, सॉलिड फर्नीचर इस घर में इंस्टॉल्ड है, फुल बेसमेंट ये हाउस है और घर के बाहर ही आप देख रहे हैं कार रैंप एरिया है, बाहर आपको एक्सटर्नल लॉन एरिया मिलता है और इस प्लॉट के जो साइज है वो एक कनाल पर मुश्तमिल है और इस प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो 50x90 है, 50 फीट इसका फ्रंट है, 90 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी में अपने जाती घरों से नवाजे। पूरे घर की जो लाइट्स हैं वो आप वन टच पे ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं और दिगर कई इस घर की खसूसियात हैं, इसलिए आखिर तक साथ रहिएगा। ये आपको फ्रंट एलिवेशन एक दफा फिर से क्लोज करके दिखाते चलें तो आइए आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। ये जी इसका गैरेज है जिसमें तकरीबन 4 बड़ी गाड़ियां बसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं। गैराज में बिल्कुल सामने साइड गली है, डबल हाइट्स लॉबी की खूबसूरत एंट्रेंस है और ये दूसरी साइड पर अगर आप देखते हैं तो इंटरनल लॉन एरिया आता है। अब जरा से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी लाजमी दबाइएगा। अच्छा जी, हम घर में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको ट्रिपल हाइटेड लॉबी दिखाते चले क्योंकि बेसमेंट हाउस है। लॉबी में ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये जी शैंडलियर्स हैं और इसी तरीके से खूबसूरत आपको सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है और नीचे ये बेसमेंट एरिया है। ओवरव्यू की तरफ आपको लिए चलते हैं। एंटर होते साथ ही आपके राइट साइड पे पाउडर रूम आ जाता है, बिल्कुल उसके साथ ही ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं और नीचे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता है। बिल्कुल सामने जी ग्राउंड फ्लोर का टीवी लॉन्च एरिया है, खूबसूरत कंसोल है और एंटर होते साथ ही आपके लेफ्ट साइड पे ड्राइंग और डाइनिंग आ जाता है और वॉल्स पे अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत नोवा पेंट है। पूरा घर वन टच पे आप बंद भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरे घर की लाइटें बंद हो गई हैं और ये पूरे घर की लाइट्स ऑन हो गई हैं, मतलब पूरा घर आपका वन टच पे ऑन ऑफ हो जाता है। और ये जो लॉबी के एंट्रेंस है इसके हवाले से आपको बताते चलें, 10 फीट पर मुश्तमिल इसकी हाइट है, बाकी पूरे घर में 9 फीट हाइट पर मुश्तमिल आपको डोर्स मिल जाते हैं। पूरे घर में सॉलिड एशवुड का काम किया गया है और नीचे अगर टाइल्स के हवाले से बात करते चलें तो 3 फीट x6 फीट यहाँ पे खूबसूरती से टाइल वॉक किया गया है। ये जी ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स में अगर आप देखते हैं तो खूबसूरती से ग्रेनाइट मार्बल का काम किया गया है और यहाँ पे ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। और नीचे आपको दिखाते चलें, ये जी बेसमेंट एरिया है, ये जी नीचे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता है और इस साइड से भी आपको लॉबी का फुल व्यू करवाते चलें। यहाँ पे ये जी खूबसूरत वॉल पेंटिंग है और ये जी खूबसूरत कंसोल है। फुल डिटेल से आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं ताकि फ्लोर प्लान समझने में आपके लिए आसानी हो। तो आइए आपको लिए चलते हैं आगे ड्राइंग और डाइनिंग की तरफ। ये जी ड्राइंग रूम एरिया है, ड्राइंग रूम अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत आपको सिटिंग मिल जाती है। बिल्कुल सामने वॉल पे फायरप्लेस है और खूबसूरती से टाइल वॉक है। अच्छा, पूरे घर में सॉलिड आपको फर्नीचर इंस्टॉल मिल जाता है। ये जो फर्नीचर है ये होल्जिन का फर्नीचर है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और आपको ज़रा फुल व्यू करवाते चलें, यही साइड पे ये कल्टन्स हैं, बिल्कुल सामने जी खूबसूरत फायरप्लेस है, वॉल डिज़ाइन है और ये दूसरी साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये डाइनिंग एरिया आ जाता है। ड्राइंग और डाइनिंग में नीचे ये जर्मन वुडन फ्लोर है, आपको डाइनिंग एरिया क्लोज करवाते चलें। डाइनिंग का जो कनेक्शन है बिल्कुल सामने किचन के साथ है और ये राइट साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये डबल हाइट्स लॉबी के साथ है। ये डाइनिंग एरिया आप क्लोज करके देख सकते हैं, तकरीबन 10 लोगों की यहाँ पे स्पेस है। और ये इस साइड पर भी अगर आप देखते हैं तो ये जो खूबसूरत वॉल डिज़ाइन है, कंसोल है और यहाँ से आपको फुल यूज़र करवाते चलें ड्राइंग और डाइनिंग के लिए। तो आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से
रबल हाइट्स लॉबी की तरफ, और यहाँ से आपको लिए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के टीवी लॉन्च की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का टीवी लॉन्च एरिया है। टीवी लॉन्च में अगर लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर का मास्टर किचन आ जाता है स्लाइडिंग डोर के साथ। बिल्कुल सामने जी ग्राउंड फ्लोर के दो बेडरूम्स हैं, खूबसूरत मीडिया वॉल है जहाँ पे कंसोल है, खूबसूरती से टाइल वॉक किया गया है, और इसी तरीके से फायरप्लेस है, और यहाँ पे ये जी खूबसूरत आपको सोफा सेटिंग मिल जाता है। दरमियान में अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत कंसोल है, और ऊपर अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है फानूस के साथ, और यहाँ पे भी आपको ये खूबसूरत सोफ़ा चेयर्स मिल जाती हैं। दरमियान में ये टेबल है, और ये मीडिया वॉल आप क्लोज करके देख सकते हैं। बिल्कुल सामने जी अगर आप देखते हैं तो मीडिया वॉल के साथ ही आपको इलेक्ट्रिक फायरप्लेस मिल जाता है। ये ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आपको इस साइड से भी दिखाते चलें, और ये जी खूबसूरत सोफ़ा सीटिंग। तो आइए आपको लिए चलते हैं आगे किचन की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर किचन है, खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिज़ाइन किया गया है। कंपनी फिटेड यहाँ पे किचन है, डबल डोर फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, काफ़ी सारी आपको यहाँ पे किचन में एक्सेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं। किचन के साथ आपको दूसरा सर्विस किचन भी मिल जाता है, और ये किचन का अगर आप देखते हैं तो ये दूसरी साइड पे वही ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये जी सर्विस किचन है, इसके जो कनेक्शन है वो बाहर साइड गली के साथ है, मुलाजमिन के इस्तेमाल के लिए काफ़ी आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाती हैं। और ये किचन आपको ज़रा क्लोज करके दिखाते चलें, पूरा किचन हैंडललेस किचन है, और खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिज़ाइन किया गया है। वुडवर्क आप देख सकते हैं, साइज़ के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा वसी और कुशादा आपको ये किचन मिल जाता है। किचन से आपको लिए चलते हैं बाहर टीवी लॉन्च की तरफ। अच्छा, आपको बता दिया था कि जो किचन का डोर है ये स्लाइडिंग में है, ये इस साइड से भी आप टीवी लॉन्च का फुल व्यू देख सकते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं आगे ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम्स की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर के दो बेड्स हैं, तो सबसे पहले चलते हैं मास्टर बेड की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेड है, इसमें ये मीडिया वॉल है, खूबसूरत सोफा चेयर्स हैं, और ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो खूबसूरत बेड वॉल है, और इस साइड पर ये जी ड्रेसिंग टेबल है। इस बेडरूम में भी नीचे अगर आप देखते हैं तो ये जर्मन वुडन फ्लोर है, और इसी तरह से ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। आपको लिए चलते हैं आगे अटैच वॉशरूम की तरफ। ये जी इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में वार्डरोब्स हैं, बिल्कुल सामने शावर केबिन है, और इसी तरीके से बेसिन एरिया है। इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये जी जकूजी है। अच्छा, यहाँ पे यूं लगता है जैसे दो जकूजी हों लेकिन एक है, क्योंकि दूसरी साइड पर ये शीशा लगाया गया है जिसमें अगर आप यहाँ पर नहाते भी हैं तो आप अपनी ज़ियारत भी कर सकते हैं। और इस साइड से आपको दिखाते चलें, ये जी बिल्कुल सामने शावर केबिन है, और ये बेसिन एरिया वार्डरोब्स हैं। चलते हैं नीचे बेडरूम की तरफ। ये जी बेडरूम है, और इस साइड से भी आप बेडरूम का फुल व्यू देख सकते हैं। आपको लिए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे मास्टर बेडरूम में। ये जी ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेड है, इसमें भी ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। बिल्कुल सामने जी कर्टन्स हैं, और ये बेड आप क्लोज करके देख सकते हैं। बिल्कुल सामने जी अटैच वॉशरूम है, और खूबसूरत मीडिया वॉल है, और ये खूबसूरत सोफ़ा चेयर है। नीचे अगर आप देखते हैं तो ये जर्मन वुडन फ्लोर है। ये जी अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में बिल्कुल सामने बेसिन एरिया है, और ये जी आप देख सकते हैं शावर केबिन है रेन शावर के साथ, और ये जी कमोड एरिया है जो कि वॉल फिटेड है, और ये बेसिन एरिया आप क्लोज करके देख सकते हैं, और ये दूसरी साइड पे वार्डरोब्स हैं। आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम में। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर फुल डिटेल से आप विजिट कर चुके हैं, अब आपको लिए चलते हैं फिर से बाहर टीवी लॉन्च की तरफ। ये जी वही टीवी लॉन्च एरिया है, यहाँ से भी आप एक दफ़ा फुल व्यू कर सकते हैं, और चलते हैं बाहर डबल हाइट्स लॉबी की तरफ, और यहाँ से फिर आपको नीचे बेसमेंट में लिए चलेंगे। ये लॉबी आप एक दफ़ा फिर से देख सकते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ। ये आप खूबसूरत शेयर डिज़ाइन देख सकते हैं, और वॉल पे भी अगर आप देखते हैं तो खूबसूरत ये आर्किटेक्चर वॉक किया गया है। ये जी हम आगे नीचे बेसमेंट में। बेसमेंट में यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जी बेसमेंट के लिए ओपन किचन है, बिल्कुल उसके साथ ही ये होम थिएटर है, और इसी तरीके से टीवी लॉन्च एरिया है, और दरमियान में भी आपको ओपन सिटिंग एरिया मिल जाता है।
और दूसरी साइड पर अगर देखते हैं तो ये बेडरूम है। बेडरूम के साथ ही आपको स्टोर रूम मिल जाता है, बाहर ओपन में सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये स्टेयर्स के नीचे खूबसूरत आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स इंस्टॉल मिल जाते हैं। और ये जी ओपन किचन है नीचे बेसमेंट के लिए। यहाँ से आपको ट्रिपल हाइट लॉबी का फुल व्यू करवाते चलें। ये आप देख सकते हैं ट्रिपल हाइट्स पे ये खूबसूरत लॉबी है। सबसे पहले आपको होम थिएटर में लिए चलते हैं। ये जी होम थिएटर है। होम थिएटर में ऊपर आप देख सकते हैं ये खूबसूरती के साथ काम किया गया है और तकरीबन 8 से 10 लोगों की यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाती है। आगे चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। ये जी टीवी लॉन्च एरिया है नीचे बेसमेंट के लिए। यहाँ पे भी ये खूबसूरत सोफ़ा सीटिंग है और वही होल्जिन के यहाँ पे फर्नीचर आपको इंस्टॉल्ड मिल जाता है। दरमियान में कॉफ़ी टेबल्स हैं। और ऊपर अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत आपको सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है और सीलिंग में ये खूबसूरत फानूस है। और इस साइड से अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत मीडिया वॉल है। बैक साइड पे वॉल पे खूबसूरती से काम किया गया है। नोवा पेंट है। आपको टीवी लॉन्च का फुल व्यू एक दफ़ा फिर से करवा दें। ये जी खूबसूरत सोफ़ा सीटिंग और बिल्कुल सामने जी वॉल डिज़ाइन जहाँ पे नोवा पेंट है, टाइल वॉक है। चलते हैं बाहर फिर से लॉबी की तरफ। ये जी दरमियान में खूबसूरत टेबल है और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बेसमेंट के बेडरूम है। यही साइड पे स्टोर रूम है। आपको लिए चलते हैं मास्टर बेडरूम में। ये जी बेसमेंट के लिए मास्टर बेड है। साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको बेडरूम मिल जाता है इसमें। यही साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत मीडिया वॉल है। वॉल पे नोवा पेंट है। खूबसूरत आपको सोफ़ाज़ मिल जाते हैं। बिल्कुल सामने जी फायरप्लेस है और ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है। और इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल है। और इस बेडरूम में नीचे खूबसूरत टाइल वॉक है। वही 3 फिट/6 फिट यहाँ पे टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। ऊपर आपको सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है। ये जी इस बेडरूम के लिए अटैच वॉशरूम है। मास्टर आपको वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम में ये वार्डरोब्स हैं, कमोड है, दरमियान में बेसिन एरिया है। बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं तो जकोजी है। और ये इस साइड पे ये शावर केबिन है रेन शावर के साथ। ये जी जकोजी है। खूबसूरत टाइल वॉक है। और ये इस साइड पे ये बेसिन एरिया है डबल वैनिटीज़ के साथ है। और ये जी कमोड है जो कि वॉल फिटेड है। आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम में। अच्छा, नीचे बेसमेंट और इसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर आप फुल डिटेल से विज़िट कर चुके हैं। अब आपको लिए चलते हैं सीधा ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ पे 3 मास्टर बेडरूम्स हैं, टेरेस एरिया है, टीवी लॉन्च एरिया है। टोटल इस घर में 6 मास्टर बेडरूम्स हैं, 3 इसमें टीवी लॉन्च हैं और इसी तरीके से होम थिएटर है। आपको ड्राइंग और डाइनिंग एरिया मिल जाता है। काफ़ी सारी इस घर में आपको ऑप्शंस मिलती हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो के एंड में आपको प्राइस भी बताएंगे और इसी तरीके से डिटेल्स वीडियो में वक्तन फवक्तन आप देख रहे हैं। ये जी हम आगे ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर का अब एक दफ़ा फिर से फुल व्यू कर रहे हैं। ये जी वही लॉबी एरिया है। तो आइए जी आपको लिए चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये जी खूबसूरत स्टेयर डिज़ाइन है और ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। और ये वॉल पे अगर आप देखते हैं तो खूबसूरत ये आर्किटेक्चर वॉक किया गया है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 3 मास्टर बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्च है और इसी तरीके से फ्रंट पे टेरेस एरिया है और दरमियान में काफ़ी बड़ा आपको टेरेस मिल जाता है। ये जी हम आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये राइट साइड पे टीवी लॉन्च एरिया है। 2 बेडरूम्स हैं और बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं तो फ्रंट वाला मास्टर बेडरूम है और ये दरमियान में वही डबल हाइटेड खूबसूरत आपको लॉबी मिल जाती है। लॉबी में ऊपर अगर देखते हैं तो ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है और नीचे आप फुल व्यू कर सकते हैं लॉबी का। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं फ्रंट वाले बेडरूम में। ये जी फ्रंट वाला गेस्ट रूम है। इसमें ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत कंसोल है। वॉल पे 3D में वॉल पेपर वर्क है। ये खूबसूरत सोफ़ा चेयर है। और ये जी नीचे वही जर्मन वुडन फ्लोर है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत सोफ़ा सेटिंग है। फ्रंट पे बेल्कनी है। ये जी मीडिया वॉल है। और इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये अटैच वॉशरूम है इस बेडरूम के लिए। वॉशरूम में ये बेसन एरिया है डबल वैनिटीज़ के साथ। नीचे खूबसूरत टाइल वॉक है।
दरमियान में अगर देखते हैं तो ये जी वार्डरोब्स हैं, यही साइड पे कमोड एरिया है जो कि वॉल फिटेड है, और ये इस साइड पे जकूजी है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये शावर एरिया है रेन शावर के साथ। वॉल्स पे अगर देखते हैं तो वही खूबसूरती से टाइल वॉक किया गया है। ये इस साइड से भी आपको वॉशरूम को फुल व्यू करवाते चलें, दो यहाँ पे आपको शावर एरियाज मिल जाते हैं। ये इस साइड से आप देख सकते हैं ये कमोड एरिया है, वार्डरोब्स हैं, आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से मास्टर बेडरूम में, और यहाँ से आपको लिए चलते हैं आगे टीवी लॉन्च की तरफ। उससे पहले आपको ये बाहर टेरेस एरिया दिखाते चलें। ये जो टेरेस एरिया है यहाँ पे भी ये वॉल पे खूबसूरती से टाइल वॉक किया गया है, और ये ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं बिल्कुल सामने, जो फायर प्लेस है, टाइल वॉक है, और यहाँ पे भी ये ओपन में आप सिटिंग कर सकते हैं। इसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सामने बेडरूम के साथ भी है, और उसी तरीके से टीवी लॉन्च के साथ भी है। तो आइए आपको लिए चलते हैं यहाँ से लॉबी में, और लॉबी से आपको लिए चलते हैं आगे ऊपर वाले पोर्शन के टीवी लॉन्च की तरफ। ये जी टीवी लॉन्च एरिया है, ये टीवी लॉन्च का फुल व्यू देख रहे हैं। टीवी लॉन्च में खूबसूरत सोफ़ा सीटिंग है, बिल्कुल सामने जी मीडिया वॉल है, किचन है, दो बेडरूम्स हैं, और इस साइड पे ये बाहर वही टेरेस एरिया है जो कि आप देख चुके हैं। नीचे अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत टाइल वॉक है, 3 फिट बाई 6 फिट टाइल वॉक है। ये जी खूबसूरत डोर डिज़ाइन है, पूरे घर में सॉलिड एशवुड का काम किया गया है, 9 फिट पर मुश्तमिल डोर हाइट्स हैं। ये खूबसूरत सोफ़ा सेटिंग आप क्लोज करके देख रहे हैं, ये दरमियान में कॉफ़ी टेबल्स हैं, और इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी खूबसूरत मीडिया वॉल है, और ये जी ओपन किचन है, दो आपको बेडरूम्स मिल जाते हैं, दरमियान में स्टोर रूम है। तो आइए सबसे पहले आपको मास्टर बेडरूम में लिए चलते हैं। ये जी मास्टर बेड है, इसमें ये जी खूबसूरत मीडिया वॉल है, और कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं, दरमियान में ये बेड डिज़ाइन है, ऊपर ये सीलिंग डिज़ाइन है, और ये नीचे अगर आप देखते हैं तो ये जर्मन वुडन फ्लोर है, और बेड के साथ साइड टेबल्स हैं, बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है, और इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये वॉल पे टर्किश पेंट है, और ये जी वॉल पेंटिंग है। ये अगर आप देखते हैं तो ये अटैच वॉशरूम है इस बेडरूम के लिए, वॉशरूम में ये बेसन एरिया है, और इसी तरीके से ये कमोड है जो कि वॉल फिटेड है, बिल्कुल सामने जी शावर केबिन है रेन शावर के साथ, और इस साइड पे ये वार्डरोब्स हैं, वॉशरूम में नीचे ये खूबसूरत टाइल वॉक है। ये जी बेडरूम है, इस साइड से भी आप बेडरूम का फुल व्यू देख सकते हैं। आपको लिए चलते हैं आखिरी बेडरूम की तरफ। अच्छा, इस घर की जो लोकेशन है वो DHA Phase 7 लाहौर है, और Phase 7 का इस वक्त ये टॉप का घर है, और इस घर की जो प्राइस है वो 18.5 करोड़ है, 18.5 करोड़ इस घर की डिमांड है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विजिट कर सकते हैं। 18.5 करोड़ इस घर की डिमांड है, प्राइस निगोशिएबल है। अच्छा, पूरा घर आपको वन टच के साथ मिल जाता है। ये देखें, लाइटें ऑफ, अब ऑन हो गई हैं, फिर मैं दबाता हूँ ऑफ हो गई हैं, अब ऑन हो गई हैं, ठीक है। और 18.5 करोड़ इस घर की डिमांड है, प्राइस निगोशिएबल है। अब हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आके इस घर को विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा बहरिया टाउन लाहौर में हमारा अपार्टमेंट्स का भी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम आपको 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स देते हैं। 2.5 साल का हमारा प्लान होता है, और 2 साल में आपको पोजेशन देते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है। आप आइएगा, विज़िट कीजिएगा। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने ज़ाती घर नहीं है, अल्लाह ताला इसके हलाल से हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर अता फरमाएं। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।